खबर वो जो सही रास्ता दिखाती है, वो नहीं जो अनदेखी अनसुनी है, खबर वो जो निकल कर सामने आती है। हर छोटी बड़ी खबर पर नजर, जिसका ताल्लुक आपसे। वो नहीं जो केवल बड़े बोल बोलती है, खबर वो जो भ्रष्टाचार को उजागर करती है, खबर वो नहीं जो केवल सनसनी फैलाती है। सच्चे और सही रास्ते से गुजर कर जो लाए सही पहचान, यही है दूरदर्शन की पहचान। नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन और मैं हूं आपके साथ विजय विश्वकर्मा। रीवा दर्शन की इस खास पेशकश में सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं और मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने जा रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी भी रीवा में जिस तरह से अपना प्रदर्शन दिखाई है वो किसी माने में कम नहीं है। रीवा की 8 विधानसभा सीटों पर भाजपा का कब्जा है और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज 2 मेहमान यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद हैं। योगेंद्र शुक्ला जी भारतीय जनता पार्टी से मीडिया प्रभारी हैं, आप संभागी मीडिया प्रभारी, साथ ही हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता ब्रिजेश पांडे जी हैं। नमस्कार, आप दोनों अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर जीत की बधाई दी जाए या तो हार का दुख व्यक्त किया जाए, यह समझ नहीं पा रहे ना ही दर्शक और ना मैं यहाँ पर समझ पा रहा हूँ। दोनों तरफ से दर्द बराबर है, खुशी भी और गम भी। जी बिल्कुल, जिस तरह से आप लोगों ने विधानसभा की 8 सीटों पर यहाँ पर कब्जा किया है, हालांकि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, क्या कहेंगे? विंध्य क्षेत्र आजादी के समय से समाजवादियों, कांग्रेस और फिर बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में ज्यादा था। उन 2003 के बाद, ये माने कि 1990 के बाद भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर अपना संगठनात्मक ढांचा खड़ा करने का काम शुरू किया और आज हम पूरे दावे से कह सकते हैं कि विंध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का गढ़ बन चुका है। रीवा संभाग में 22 सीटों में हमने 19 सीटें जीती, और वो भी ऐसी सीटें जीती है जिसकी कल्पना देश के लोगों को भी नहीं थी। कांग्रेस के ऐसे दिग्गज घराने, ऐसे खानदानी लोग इस बार चुन चुन कर हारे हैं, यह जनता का प्रतिशोध है। विकास के क्षेत्र में इस अंचल में भारतीय जनता पार्टी ने विगत 15 वर्षों में बहुत सारे काम किए। माननीय मंत्री राजेंद्र शुक्ला जी ने जिस मेहनत, लगन और ऊर्जा के साथ इस क्षेत्र को विकास की ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया, विश्व स्तरीय सड़कें, हर खेत में पानी पहुँचना, सौर ऊर्जा विश्व स्तर का जो सौर ऊर्जा प्लांट है, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, उससे यह क्षेत्र गौरवान्वित हुआ है। और हम सब माननीय राजेंद्र शुक्ला जी के विकास परक नीति के प्रति गौरवान्वित हैं। विंध्य क्षेत्र को भारतीय जनता पार्टी ने विकास की ओर ले जाने का काम किया और ऐसा नेतृत्व विंध्य क्षेत्र में आया जो भारतीय जनता पार्टी ने दिया कि आज विंध्य प्रदेश। जी बिल्कुल, जिस तरह से विंध्य क्षेत्र में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन रहा, उससे निश्चित यह समझा जा सकता है कि विकास के मुद्दे पर यहाँ पर चुनाव लड़े गए और जीत भी दर्ज की। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी का रीवा जिले की सीटों पर सफाया हो गया, आप बेहद यहाँ पर आपकी सरकार बनने जा रही है, एक तरफ खुशी है तो दूसरी तरफ गम कि जिले की सारी सीटें आप हार चुके हैं, क्या कहेंगे? बहुत साफ बात है, देश की आज़ादी की लड़ाई से लेकर के अब तक, जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ उसके पहले हमारा विंध्य प्रदेश था, निश्चित रूप से विंध्य प्रदेश समाजवादियों का गढ़ था। डॉक्टर लोहिया जयप्रकाश नारायण जी, आचार्य नरेंद्र देव, सभी लोगों का आंदोलन इसी क्षेत्र में फला फूला है। हम आपकी इस बात से सहमत हैं कि कहीं ना कहीं हमको थोड़ी सी दुख इस बात का है कि हमारे रीवा जिले में, विंध्य क्षेत्र में हमको जिस तरह से प्रदर्शन करना चाहिए था, जिस तरह से हमारे सीटों में इजाफा होना चाहिए था, वो नहीं आ पाया। लेकिन ये इसके लिए हम लोग आत्मविश्लेषण करेंगे, लेकिन इसके लिए आप किसी एक व्यक्ति को जवाबदेह नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए समूचे रीवा से आप बात करें, रीवा विधानसभा की जो मतदाता सूची उठा के देखिए आप, 2,39,000 मतदाता है, जिसमें
भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को 59,806 वोट मिले हैं, तो हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी अभय मिश्र ने 51,717 वोट पाए, यानी 18,089 वोट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विजयी। आपने नारा दिया था वक्त है बदलाव का जी, यहाँ पर वो दिखता नहीं, बाकी जगह आपके प्रदर्शन जिस तरह से रहा उससे ये लगता है कि वहां पर बदलाव की बयार थी, लेकिन विंध्य क्षेत्र में एकदम से कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया और यहाँ की आपकी 32 सीटों पर जिस तरह से दावे किए जा रहे थे, खासतौर से राहुल गांधी के दौरे हुए जहां पर, उन क्षेत्रों पर आप सीटें गंवा दिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी ने समूचे मध्य प्रदेश के जिन जिन अंचलों में दौरे किए, वो चाहे महाकौशल हो, वो चाहे मध्य भारत रहा हो और चाहे हमारा भोपाल का इलाका रहा हो, वहाँ पे कांग्रेस की सीटें बढ़ गई। और एक बात विजय जी आप समझिए कि कांग्रेस पार्टी का वोटा परसेंटेज बढ़ा है इस चुनाव में। हमको जिस तरह से वोटा परसेंटेज पहले मिला करता था, हमारे पास आंकड़े हैं कि 2003 में मैंने 2008 में कांग्रेस की वोटिंग थी उससे हमको 19.57% और उससे आठ विधानसभा क्षेत्रों में, और जो जाके 2018 में 3.72% बढ़ा है। तो हम अपेक्षा कुछ सफलता अर्जित नहीं किए हैं, इस बात से मैं योगेंद्र जी के सहमत हूँ और इसकी हम समीक्षा करेंगे और बड़ी विनम्रतापूर्वक हम स्वीकार करते हैं इस बात को कि हमें उस तरह की सफलता नहीं मिली है, लेकिन वोटा परसेंटेज बढ़ा है, जनता का विश्वास हमारी ओर बढ़ा है, जनता हमारे प्रदेश का किसान, हमारे प्रदेश का बेरोजगार, हमारे प्रदेश की महिलाओं का कांग्रेस के पक्ष में मत हुआ है, तब न कांग्रेस मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सीटें लेकर के आज अपनी सरकार बनाने की स्थिति में है। बिल्कुल, क्या मानते हैं कि जिस तरह से यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी के दौरे हुए और शाह के दौरे हुए, उसी की बदौलत यहाँ पर विंध्य क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी अपना वर्चस्व बनाने में कामयाब हुई। पूरे प्रदेश के साथ साथ जैसा कि हमने पूर्व में कहा था, विकास कार्यों से जनता प्रभावित हुई तो लाभान्वित भी हुई थी। ये प्रदेश का दुर्भाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी ने इतना अच्छा काम किया और जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ हम भी है। अगर आप पूरा जनादेश निकालेंगे तो 1% से अधिक मतों पाकर हम कांग्रेस से आगे हैं। कांग्रेस 40% पर है और हम 41% मत पाए हुए हैं। कुल जो मत पड़े हैं उसमें भी हम कांग्रेस से आगे हैं। दुर्भाग्य कहें कि संख्या बल पर कांग्रेस 5 सीट हमसे आगे निकल गई है, परंतु जनादेश हमारे साथ ही कहा जा सकता है। प्रजातंत्र है, जनता ने जो आदेश दिया उसे हम सिरोधार करते हैं और कांग्रेस ने जो वादे किए हैं उन पर कांग्रेस खरी उतरे ऐसी आशा करते हैं। ऐसा ना हो कि कांग्रेस के वादे सब लालीपाप सिद्ध हों। 10 दिनों बाद मैं तो कहूंगा 10 दिनों बाद आप एक फिर पर चर्चा बुलाएं और कांग्रेस ने जो वादा किया है कि 10 दिनों में हम किसानों को कर्ज मुक्त कर देंगे उसको भी हम टटोलने का काम करें। 1 माह के अंदर प्रदेश के सभी युवाओं को 3,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन देने का वादा है, सभी कर्मचारियों को रेगुलर करने का वादा है। न जाने कितने वादे कांग्रेस ने किए हैं, हम सब इंतजार करेंगे कि कांग्रेस अपनी बातों पर खरे उतरे और जन विश्वास पर खरा उतरे, लाली पाप सिद्ध ना हो और जनता के साथ घात ना करे। भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है उसकी परिणित है कि विंध्य क्षेत्र ने भारतीय जनता पार्टी को अपना पूरा समर्थन दिया है। अंतिम समाज के अंतिम छोर पे बैठा व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से, विकास कार्यों से लाभान्वित हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा है, और इसी का परिणाम है कि कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो चुका है। पूरा विंध्यांचल भाजपा में राष्ट्रवाद की प्रखर बेला पे खड़ा हो चुका है और राष्ट्रीयता से ओतप्रेत होकर भारतीय जनता पार्टी के साथ, विकास के साथ जुड़ चुका है। जिस तरह से यहाँ पर बड़े दिग्गज नेता हारे, आपका भले ही वोट प्रतिशत बढ़ा, लेकिन बात अगर आए राजेंद्र सिंह की, माफ करिएगा, अजय सिंह राहुल की या सुंदरलाल तिवारी की, ये सभी दिग्गज नेता एकदम से धराशायी हो गए। क्या वजह मानते हैं कि वोट प्रतिशत बढ़ा लेकिन क्या कमी रही कि ये सभी चुनाव हारे? और यहाँ पर एक बात और देखने को मिली कि बहुजन समाजवादी पार्टी का भी वोट बैंक गिरा था। क्या मानते हैं कि ये बहुजन समाज पार्टी भाजपा में चली गई? नहीं, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं मानता हूँ। देखिए, उसके 2-3 मुख्य कारण हैं। पहली बात ये कि कांग्रेस पार्टी शुरू से कह रही थी कि प्रशासनिक मशीनरी प्रदेश के मुख्यमंत्री, प्रदेश भाजपा के मुखिया के हिसाब से काम कर रही है, जो अंततः सत्य साबित हुई विंध्य क्षेत्र की सीटों को लेकर के।
दूसरी महत्वपूर्ण बात ब्रजेश जी, आप कम से कम आप देखिए आप क्या है, एक दुष्यंत व्यक्ति है, आप कम से कम ईवीएम पर अपनी हार को न थोपे साहब, अपनी बात पूरी करो, आप कम से कम ये कहें कि आप जब बोल रहे हैं प्रशासन ने बहुत निष्पक्षता से काम किया है तो हम पूरा सुनते थे, नहीं नहीं मैं भी सुन रहा हूँ, परंतु मेरा आग्रह ये है कि आप एक बुद्धिजीवी व्यक्ति है और आपकी प्रतिष्ठा है कि आप पूरी बात लीजिए, हो सकता है कि उससे कुछ निचोड़ निकले और वो हम दोनों पार्टी को समाजित करके बोले। जी बताइए बताइए, हम ये कहना चाह रहे हैं कि देखिए जो प्रशासनिक लोग होते हैं, प्रशासनिक तंत्र होता है, इसका चीफ मिनिस्टर होता है, अमूमन उसी के पक्ष में काम करता है। अब उसके हम तीन तर्क बता रहे हैं, देखिए पोस्टल बैलेट पेपर जो कर्मचारियों के वोट पड़ने थे वो पूरे वोट नहीं पड़े, दूसरा कांग्रेस के रीवा के प्रत्याशी अभय मिश्र ने हर जगह पर आपत्ति लगाई थी, उनकी आपत्ति को दरकिनार किया गया, और तीसरी महत्वपूर्ण बात ये समूचे इस वोट तंत्र में एक इस तरह का हवा खड़ा कर दिया गया था भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा। क्या जरूरत थी कि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की चुनाव के होने की वोटिंग होने के बाद विभिन्न क्षेत्र के बांधवगढ़ में सब परिवार आए, क्या जरूरत थी कि भारतीय जनता के बड़े नेता आकर के इस तरह का दबाव बनाए। डेमोक्रेसी के अंदर सब चीजें खुली होनी चाहिए, बड़ी पारदर्शिता होनी चाहिए। हम समझते हैं कि हमने कहा पहले आपसे विनम्रता से कहा कि अगर हमारी विंध्य क्षेत्र में सीटें खटी हैं तो हम उसको विनम्रता से स्वीकार करते हैं और हार के कारणों की समीक्षा करेंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ ही दिनों बाद लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और अब मध्य प्रदेश में आपकी सरकार होगी तो यही मशीनरी तंत्र यही शासन प्रशासन रहेगा, तो क्या आप भी ऐसे ही जो आरोप लगा रहे हैं उसी तरह से कुछ करेंगे? मेरी एक बात समझिए, छतरपुर के अंदर आपको पता है छतरपुर के अंदर वहाँ के चुनाव अधिकारी अपने होटल के कमरे में पकड़े गए शराब पीते हुए, वहाँ पर ईवीएम वोट पड़े हुए थे। उसके बाद आप देखिए भोपाल की घटना, भोपाल में के कर्मचारी पीएचक्यू पुलिस मुख्यालय हेडक्वार्टर में बहुत सारे बैलेट पेपर आपको मिले, और इसके अलावा मध्य प्रदेश के कई ऐसे अंचल थे जहां 48 सागर में 48 घंटे बाद जाकर ईवीएम मशीन जो है जमा की जा रही है। हम कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर का नियम सबके लिए समान होना चाहिए, उसमें ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, वो दोनों दलों के लिए अच्छा है। अगर आप बैलेट पेपर चुनाव करा रहे हैं, अगर कहीं किसी को आपत्ति होती है, हर पार्टी का निर्वाचन अधिकारी वहां पे रहता है, आपत्ति करता तो उसकी आपत्ति का निराकरण करना चाहिए। जवाब दीजिएगा कि ईवीएम मशीन जिस तरह से मशीनरी तंत्र का दुरुपयोग करने की बात आप कर रहे हैं कितना सार्थक है? हमको लगता है कि ब्रजेश जी लंबे समय तक सत्ता में रहे हैं और उन्होंने ऐसा उपयोग किया होगा, इसीलिए वो बहुत बारीकी से इस बात का हवाला दे रहे हैं। वो आपकी पार्टी की सच्चाई ये है, वो तो आपकी भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता नरसिंहा राव ने चुनाव संपन्न आपके ऊपर हमें 1997 को नहीं भूलना चाहिए। नरसिंहा राव जब ईवीएम पर किताब लिखी है लोकसभा के अंदर आपको 60 पोलिंग बूथ को ऐसा कह रहे हो पुनर्मतदान कराया गया था, आप लोग जानते हैं रीवा में एक भी ऐसी छोटी सी घटना नहीं हुई जहां पर कोई मतदान केंद्र में विवाद हो। सिर्फ रीवा विधानसभा एक ऐसी है जहां पर गड़बड़ हो गया, बाकी कहीं कुछ गड़बड़ नहीं हुआ। आपके तो सुंदर लाल जी भी आ रहे, अजय सिंह जी भी आ रहे, राजन सिंह जी भी आ रहे, यादवेंद्र सिंह जैसे दिग्गज नेता हारे, परंतु वहां कोई मशीनरी गड़बड़ नहीं हुई। सिर्फ रीवा में, क्योंकि रीवा में आपने ऐसा प्रत्याशी दिया था जो अनावश्यक विवाद पैदा करने के लिए जाने जाते हैं और लगातार प्रशासन के ऊपर आप लोग दबाव बना के अपना उल्लंघन सीधा करना चाह रहे थे, प्रशासन आपके दबाव नहीं आया, उसका नतीजा है कि अब आप हार को प्रशासन के ऊपर और ईवीएम के ऊपर फोड़ने का काम कर रहे हैं। सच्चाई से आप दूर कितना भी भागे, जनता सच्चाई जानती है पूरे देश में। इसमें मैं आपको एक आंकड़े से बताना चाहूंगा कि बड़ी विनम्रता से सुनिएगा योगेंद्र शुक्ला जी। देखिए पिछली बार 2013 में आदरणीय श्री राजेंद्र शुक्ल जी भाजपा के प्रत्याशी थे, मंत्री थे प्रदेश के, उनको जो वोट मिले थे 59,806 मिले थे, और पिछली बार 2013 में बीएसपी का प्रत्याशी श्री के गुप्ता जो से वो 37,546 वोटों से हारे थे। मतलब इस बार जो गुणात्मक अंतर रहा हार का, मैंने जब हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी 51,717 वोट पा करके श्री अभय मिश्र पाए और 18,089 वोट से राजेंद्र शुक्ल जीते, तो इस बार गुणात्मक अंतर रहा मतलब 19,457 का जो पिछली बार था 37,546। मैं इसका जवाब दे देता हूं विजय जी, अभी हमारा जवाब सुन ले फिर आप बताएंगे। 2003 से और 2018 तक
माननीय राजेंद्र शुक्ला जी 50% मतदान मत से ज्यादा प्राप्त करते रहे हैं, इस बार भी वही हुआ है। आप ज्यादा करते रहे, आप देख लीजिए, आपने खुद कहा 63,000 हम पाए हुए हैं, उस बार 138,000 से अधिक वोट पड़ा, 70,000 माननीय राजेंद्र शुक्ला जी वोट पा रहे हैं, उस बार कितना परसेंट हुआ साहब? आप तुलना में आप 20,000 उसका हम उसका जवाब आप सुन तो ले, मेरा निवेदन है मानते जी, आप सुन ले मेरा जुड़े हैं मेरी बात सुन लीजिए। आपने जो कहा 2003 से 2018 तक माननीय राजेंद्र शुक्ला जी लगातार 50% कुल मत जितने पड़ते हैं 50% से ज्यादा मत पाए, इस बार भी पाए हैं। इस बार एक अंतर हुआ जो आप कह रहे हैं कि हम 18,000 से जीते हैं, बहुजन का वोट आपके पास चला गया, बहुजन समाप्त हो गई, नहीं तो बहुजन और कांग्रेस समानांतर रहते थे और हमारे जीत का अंतर बढ़ता था। हम लगभग उतने परसेंट पर हैं जितना हम 2003 से पा रहे हैं। माननीय राजेंद्र शुक्ला जी 51 और 52% कुल मतदाता पढ़ने वाले मत का इस बार 51% से ज्यादा है, 1,38,000 पड़े हुए हैं और 70,000 हम पा रहे हैं। आपने बहुजन का वोट खरीदा फरोख्त किया, ये हो सकता है, परंतु सुनिए, परंतु परंतु हमारा हमारा खबर वो जो सही रास्ता दिखाती है, वो नहीं जो अनदेखी अनसुनी है, खबर वो जो निकल कर सामने आती है। हर छोटी बड़ी खबर पर नजर जिसका ताल्लुक आपसे, वो नहीं जो केवल बड़े बोल बोलती है, खबर वो जो भ्रष्टाचार को उजागर करती है, खबर वो नहीं जो केवल सनसनी फैलाती है। सच्चे और सही रास्ते से गुजर कर जो लाए सही पहचान, यही है रीवा दर्शन की पहचान। ब्रेक के बाद सभी दर्शकों का पुनः बहुत बहुत स्वागत है। गर्मा गर्म बहस अभी भी जारी है और अब बात करते हैं घोषणा पत्र की, साथ ही वचन पत्र की जो कांग्रेस पार्टी ने यहां पर दिया था। कांग्रेस की सरकार है, ऐसे में जो वादे उन्होंने किए थे जनता से कितने पूरे करने जा रहे हैं। खास बात यह हो रही कि 10 दिनों के अंदर उन्होंने वादा किया था कि किसानों के कर्ज माफ होंगे और उसमें वक्त लगेगा महज 10 दिन। हमारी पार्टी के निश्चित रूप से हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री राहुल गांधी जी ने प्रदेश के जिन अंचलों में भ्रमण किया, जहां जहां उनका प्रवास हुआ, उन्होंने इस बात को गंभीरता से उठाया था कि भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार की बातों को और हमारे प्रदेश के पीड़ित किसानों की बातों, महिला उत्पीड़न की बातों को, बेरोजगारों की बातों को, जिसमें उसमें एक बात थी किसानों के कर्ज माफी की। उन्होंने कहा था कि हम 10 दिन के अंदर किसानों के कर्ज माफ करने का प्रयास करेंगे। तो आप एक बात समझिए, अभी हमारे सरकार, अभी विधायक दल का नेता 4 बजे उसी को अनाउंस होना है, उसके पहले हमारी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, एक कमेटी बना दी गई जिसमें 3 लोगों की कमेटी, जिसने सहकारी बैंक और इन सब से अपने सोर्सेस के माध्यम से पता लगाया कि प्रदेश के अंदर कुल कितने लाख कर्ज बाकी है किसानों के। जी, सरकार अगर कल शपथ ग्रहण समारोह जैसे है, उसके बाद सरकार के मंत्रिमंडल बनने के बाद, उसके बाद 10 दिन गिने जाते हैं, मतलब मोटा मोटी आप सोमवार से पकड़िए। पर अभी से ही एक काम कांग्रेस ने प्राइमरी स्टेज में शुरू कर दिया और हम आपको बताना चाह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में घोषणा वीर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने इतने अधिक कर्ज ले लिया था, करीब मध्य प्रदेश के अंदर 2.5 लाख करोड़ रुपए उन्होंने कर्ज ले लिया था। अभी तो आप किसानों का कर्ज माफ करने पर बात हम आपसे हम आपसे हम आपसे हमें आप आए हैं तो भाई वादा पूरा करिए। हम आप सुशी बिंदु जी, हम आप सुशी बिंदु प्यार है, आपको भी उस चीज से एक अच्छी चीज समझ में आएगी। हमारे प्रदेश के अंदर 2.5 लाख से 2.5 लाख करोड़ का कर्ज था मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार ने छोड़ा है, अभी कार्यवाहक मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान। कांग्रेस पार्टी इस बात को लेकर के सोमवार को, जब कांग्रेस पार्टी के मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा, इस बात को लेकर श्वेत पत्र जनता के सामने सबसे पहले लाएगी कि हमारे प्रदेश में 2.5 लाख करोड़ का कर्ज बाकी है।
विदेशों से उन्होंने कर्ज लिया। उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी ने कर्ज माफी के लिए करीब जो अभी प्राइमरी स्टेज पर उन्होंने मंगाया है बैंकों से, जितने भी कोऑपरेटिव बैंक हैं, जितने भी नेशनलाइज बैंक हैं, स्टेट बैंक हैं, तो 60,000 करोड़ रुपए का वित्तीय भार आता है। इसमें 33 लाख, मैं आपको आंकड़े बता दूं, 33 लाख किसान कर्ज माफी के दायरे में आते हैं, इनमें 17,000 करोड़ का कर्ज बाकी है। पार्टी इसे भी जमीनी स्तर पर इम्प्लीमेंटेशन देने की अंतिम कोशिश करेगी और हम कोशिश करेंगे कि शीघ्र जो समय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिया है उसके अंदर ही हम किसानों के कर्ज माफी की दिशा में अनुकरणीय पहल करें। जी बिल्कुल योगेंद्र जी, यहाँ पर 2 दिन का वक्त गुजर गया मुख्यमंत्री चुनने में, क्या लगता है कि 10 दिन के अंदर ये कर्ज माफ कर पाएंगे किसान? कांग्रेस का वचन पत्र झूठा वचन पत्र सिद्ध होगा। झूठा वचन पत्र कांग्रेस पूरा नहीं कर सकती है। कांग्रेस जानती है मैं वादा करके भूल जाना कांग्रेस की आदत रही है। हम सब 1993 में कांग्रेस की घोषणा पत्र हुआ है, घोषणा की गई थी बेरोजगारों को भत्ता देंगे, 1 महीना बेरोजगार ब्लॉकों में रात दिन 24 घंटा लाइन लगा के फॉर्म जमा दिया, पैसा रोजगार भत्ता नहीं मिला है। इस बार भी वही होगा, ना कोई किसान पाएगा, ना कोई रोजगार पाएगा, ना युवा पाएगा, ना व्यापारी पाएगा, ना कर्मचारी पाएगा। ये कांग्रेस का वचन पत्र झूठा सिद्ध होगा। हाँ योगेंद्र जी आप बताइए। नहीं, कांग्रेस सिर्फ झूठे वादे करती है और उसका वादों से मुकरने की पुरानी आदत है। आप कांग्रेस के इतिहास उठा के देख लीजिए, जब जब कांग्रेस ने वादे किए हैं उसके विपरीत काम किया। हमको तो लगता है कांग्रेसों को जेल, कांग्रेस पार्टी किसानों को जेल भेजने का काम करेगी और उनमें जिस तरह से 18% कांग्रेस अपने शासन में वही पुनः शुरू होगा और किसानों के घर गिरवी होंगे, खेत गिरवी होंगे, जमीन और चूहे गिरवी करने का काम कांग्रेस करेगी। आप ध्यान रखिएगा, जलियांवाला बाग की पुनरावृत्ति है, आप किस मुंह से बात करते हो? दूसरी बात, हमारी वचन पत्र में घोषणा है कि जितने किसान हैं उनके सभी किसानों का 2 लाख रुपए, चाहे जिस स्तर का किसान उसको 2 लाख रुपए माफ करेंगे। तीसरी बात, हम किसानों के बिजली बिल को हाफ जो है आधा करेंगे। फसलों एवं दूध पर बोनस देने का कांग्रेस पार्टी ने अपने वचन पत्र में बात दोहराई है। नई फसल योजना हमारे वचन पत्र का मुख्य एजेंडा है और सबसे बड़ी बात जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राहुल गांधी जी कहते थे कि अगर आदरणीय सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब की मूर्ति बनती है उसका भी इस्पात आयरन जो आता है वो चीन से आया है, तो क्यों ना हम ये झूठे वादे क्यों ना कर रहे हैं? हम सामने मिट्टी और औजार जो किसानों ने अपने खेत में औजार उपयोग किया है वो इकट्ठा करके सरदार पटेल की स्टेचू बनाई गई है। झूठी बातें करके आप जनता को बदला नहीं सकते साहब। अभी जनता पढ़ी लिखी है, जान चुकी है और आपने जो वादे किए उस पर लगिए और 10 दिनों का इंतजार हम कर रहे हैं कि आप उसको पूरा करिए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर हम कम से कम 60% नए लोगों को रोजगार के सेक्टर से जोड़ेंगे। रोजगार प्रोत्साहन की दिशा में कांग्रेस पार्टी अपने जनपद में इस बात को लाई है और सबसे बड़ी बात इसको लेकर के घोषणा वीर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी बदनाम थे व्यापम, कांग्रेस पार्टी उस व्यापम को बंद करके नौकरी की प्रक्रिया, ये व्यापम तो आपका ही दिया हुआ मर्ज है। आप शिवराज सिंह चौहान ने तो व्यापम को पकड़ा है जो आप लंबे समय से प्रदेश की जनता युवाओं के साथ छल कर रहे थे। भाजपा सरकार ने व्यापम के भ्रष्टाचार को, आपके भ्रष्टाचार को उजागर करने का काम किया है, सबसे महत्वपूर्ण बात, और पारदर्शिता लाई है आज प्रदेश के अंदर। हम अपने जब आप अपने पत्र की बात करेंगे तो मैं उसको आपको नहीं बोलूंगा, बीच में इंटरप्ट ना करें। हम अपने वचन पत्र की बात हो रहा है, जब अपने आपकी बात होगी तो आप करेगा अपने घोषणा पत्र। यहाँ पर कन्याओं के लिए हमारी पार्टी ने अपने वचन पत्र में एक बात और लाई है कि हम उसको मैंने शिशु से लेकर के PhD तक निःशुल्क शिक्षा देंगे और 51,000 रुपए की। अभी भी अगर शिक्षा की बात की जाए तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की जो योजनाएं थी
उसमें भी शिक्षा का उन्होंने वादा किया। पंजाब और कर्नाटक में, पंजाब और कर्नाटक में कांग्रेस के साथ झूठे साबित हुए हैं और मध्य प्रदेश में भी झूठे साबित होंगे, ये हम सब जानते हैं अच्छी तरह से। बांदे भी जानते हैं कि वादा पूरा नहीं कर सकती कांग्रेस पार्टी, सिर्फ झूठे वादे करकर सत्ता में आने का काम कर लिया है पार्टी ने। इसको फलीभूत नहीं होना है। कम 6 महीने का समय दिया जाता है, अब 10 दिन का समय, 6 महीने का समय आप मांग रहे हैं। 1 महीने में आपने सब वादे पूरे करने का कहा था काम है, 1 महीने में हम सब कैसे पूरा करेंगे जो वादे किए? किसानों के कर्ज माफ करेंगे, हम सब इंतजार कर रहे हैं, हमें लगता नहीं है। तो दीजिए आप करने, अभी अभी सरकार तो बनने, बीजेपी सरकार, हमें लगता नहीं पांडे जी। नदी में मगर देख मदेरा और आप उसके ऊपर खाली आने लगे हैं, से बाहर हो गए हैं और अब यहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनेगी, लेकिन अभी तक यह तय नहीं हो पाया है कि यहाँ पर मुख्यमंत्री कौन होंगे, मध्य प्रदेश के आगामी मुख्यमंत्री कौन बनने वाले हैं। बहरहाल जो वादे किए थे उन्होंने कितने पूरे होते हैं, ये 10 दिन के वक्त के बाद भी कुछ पूरा नहीं होगा। नाली बात सारी होगा, कांग्रेस का माना मैं पूरी हो जाएगी। किसानों के मुद्दे को 10 दिन के अंदर, धन्यवाद। खबर वो जो सही रास्ता दिखाती है, वो नहीं जो अनदेखी अनसुनी है, खबर वो जो निकल कर सामने आती है। हर छोटी बड़ी खबर पर नजर, जिसका ताल्लुक आपसे। वो नहीं जो केवल बड़े बोल बोलती है, खबर वो जो भ्रष्टाचार को उजागर करती है, खबर वो नहीं जो केवल सनसनी फैलाती है। सच्चे और सही रास्ते से गुजर कर जो लाए सही पहचान, यही है नई दर्शन की पहचान।